हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवन टेस्टी फूड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी पनीर टाकोस। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है, बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट होती है और इसे बनाना भी बहुत इजी होता है। जब भी बच्चे रोटी सब्जी खा के बोर हो जाए तो आप इसे इस तरह हेल्दी वे में बना के दे सकते हैं। तो चलते हैं चीज़ी पनीर टाकोस की रेसिपी बनाने के लिए। टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इस पर डाल देंगे गेहूं का आटा। तो आज मैं इसे हेल्दी वे में बनाने जा रही हूं, इसीलिए मैंने गेहूं का आटा का यूज किया है। आप चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है, इसमें ग्राम में 250 ग्राम है। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। और टाकोस का जो कलर होता है थोड़ा सा येलो होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। अब इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। बिल्कुल जैसे रोटी के लिए हम डो बनाते हैं उसी तरह से सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये डो बन के रेडी है और काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल रोटी के आटे के जैसे। इसे ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए और तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो एक पैन ले लिया, इस पर डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होते ही इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने ले लिया है, तो इसे डाल देते हैं। और इसे मैंने बारीक कट किया है और इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और गैस का फ्लेम रखना है बिल्कुल मीडियम। 1 मिनट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को लगभग 1 मिनट और भून लेते हैं। और प्याज और शिमला मिर्च 1 मिनट हो गया है भूनने के बाद, इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच डाल देंगे पिज्जा सीजनिंग। इसकी जगह आप ओरिगेनो भी यूज कर सकते हैं। इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सॉसेस। तो यहाँ मैंने ले लिया है रेड चिली सॉस 1 चम्मच और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें टोमेटो सॉस और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। तो अच्छे से मैंने सॉस को मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर को मैंने घर पे ही बना लिया था और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डाल देंगे हम नमक। तो स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो हमारी स्टफिंग बन के रेडी है, इसे रख देते हैं साइड में। और आटा भी 10 मिनट हो गया और अच्छे से सेट हो गया, देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और हम मसल लेते हैं। अब इसका हम बना लेंगे एक बड़ा सा लोई। तो यहाँ मैं एक बड़ा सा लोई ले ली, इसको गोल कर लेंगे और बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से पहले हम रोटी इसको बना लेते हैं। तो इसे बेल के पहले रेडी कर लेते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से बेल लिया है और ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ढक्कन ले लिया है और इसे कट कर लेंगे। तो टाकोस आप अपनी इच्छा अनुसार बड़ा छोटा जितना साइज का बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 कट लगा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देते हैं और आटे में मिला लेंगे। और ये देखिए छोटे छोटे टाकोस सेल बन के रेडी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे बड़ा छोटा जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसी तरह सारे हम बना के पहले रेडी कर लेंगे। तो थोड़े से मैंने यहाँ बना लिए, चलते इसे सेकने के लिए। तो तवा ले लिया, गैस ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डाल देते हैं टाकोस सेल। तो एक साथ मैंने यहाँ 2 डाल दिया, स्पेस ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ 2 रख दिया है। अब इसे हमें रोटी जैसे पूरा फुलाना नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा सेक लेंगे इसे इस तरह से और बस थोड़ा सा इसे पलट देते हैं एक बार और दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सिक जाए, बस उतना ही हमें सेकना है। और देख सकते हैं हल्का हल्का सिक गया है दोनों साइड। तो थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और दोनों रेडी है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और सारे टाकोस सेल इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक टाकोस सेल ले लिया है, इस पर डाल देंगे टोमेटो सॉस। तो सॉस अपने इच्छानुसार जो भी आपको टेस्ट में अच्छा लगे वो डाल सकते हैं इसमें। तो आधे में मैंने लगा दिया है टोमेटो सॉस और आधे में लगा लेंगे मेयोनीज। और सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम लगाएंगे चीज़। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम इसमें चीज़ यूज़ कर सकते हैं और आप मोज़रेला चीज़ या चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ मैंने फैला दिया टोमेटो सॉस के ऊपर। अब हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखी थी इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देते हैं। तो 2 से 3 चम्मच स्टफिंग हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं चीज़ डाल रही हूँ। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो आपको पसंद है। तो चीज़ डालने के बाद इसे हम बंद करेंगे इस तरह से और इसे चलते सेकने के लिए। तो तवा
को मैंने रख दिया था गैस पे। गैस का फ्लेम रखना है बिल्कुल लो। और यहाँ मैं थोड़ा बटर लगा रही हूँ, और आपको बटर पसंद नहीं है तो घी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर मेल्ट हो गया, इस पर डाल देते हैं ये टाको से, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ मैंने दो लगा दिए हैं, और ऊपर से लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर। और आपको बटर पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी सेक सकते हैं बिना घी ऑयल बटर के भी। और एक तरह से अच्छे से सिक जाने के बाद इसे थोड़ा सा पलट देंगे, और दोनों साइड से अच्छे से कलर इसका क्रिस्पी हो जाए गोल्डन ब्राउन, तब तक अच्छे से इसे पका लेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से मैंने इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर दिया, और अच्छे से ये जो चीज़ है मेल्ट हो गया है और बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो इसे निकाल के सर्व कर लेते हैं। टाकोस बनके रेडी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है, और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी होता है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।